खा ली, हमने तो अपनी चिप्स वगैरह सब खा ली, मारी अभी आई थी तो उसने अभी खा रही है, तो इसी के पास आके आप लोग भी खा ले। तो जाहिर बात है वो ट्रेन पे अलोट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा है माशाल्लाह से, क्योंकि कल रात को हुई थी बारिश, आप लोगों ने भी देखी होगी, और जो लोग लाहौर के उन्होंने तो इंजॉय भी की होगी। बहरहाल जैसे ही हम घर पे आए तो बारिश रुक गई, अब बारिश होगी तो हम इंजॉयमेंट भी आपको दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। और ये हमारी आपकी चाय लेकर आई थी, चाय यहाँ, चाय आप कहेंगे चार कप है लेकिन यहाँ दिख का आ रहे हैं, दो ही दिख रहे हैं, लेकिन एक आप भी यहाँ बैठी हुई हैं, वो थोड़ी मसरूफ थी तो मैंने कहा चले। हाँ, और एक मैं कैमरे के पीछे हूँ भाई, तो सिर्फ मुझे चाय है तो मैं यहाँ पीछे हूँ। हमारी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों ने ब्लॉग में तो देख ही लिया है उन्हें, ज़ैनब हंडी तो और फातिमा उनकी बेटी का नाम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आपने इतनी मोहब्बत से हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई, और वो गंदगी हमें ढूंढते ढूंढते वहाँ पर मीटअप रेस्ट कोर्स पे, तो उन्होंने फिर हमसे रब्ता किया, और इतनी यानी कि इंसान किसी को चाह सकता है, तो मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बहरहाल मुझे बेतहाशा खुशी हुई इस चीज़ की, और दूसरा ये कि वो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, और बाकी तो आप लोगों ने देख ही लिया, उनसे मिलना है कि जो दिखाते हैं वो हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। तो ये लेके आई हैं चाशनी है, चाशनी क्या मतलब? चाशनी जो लाहौर में रहते हैं उनको पता है कि चाशनी जो है वो एक बहुत अच्छी ये देखा। अच्छा, और ये थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, कितनी खूबसूरत इसकी पैकिंग है जी, ये देखिए और माशाल्लाह इनकी पैकिंग बहुत बेहतरीन है, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे स्वीट्स का, कराची में भी ऐसी नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ, कराची में भी इस तरह की पैकिंग नहीं, मतलब इसका मैंने टेस्ट भी सुना बहुत अच्छा, कभी ट्राई नहीं की लेकिन टेस्ट जी चले बहुत आज ट्राई हो जाएगी इंशाल्लाह, और हम लोग सब मिलकर खाएंगे इंशाल्लाह, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग खाएं और फैमिली से ना पूछें। अच्छा, यहाँ बिलाल भाई नहीं है, लोग पूछेंगे भाई कहाँ हैं, तो बिलाल भाई कहाँ रह गए? वो अम्मी की तरफ गए हैं, मोमना जी के वहाँ भी छोड़ आए थे जी, जी, जी। लेने गए। हाँ, तो चाय आ गई है तो हमने कहा चला चाय पी लेंगे, लेकिन हाँ वो जब आएंगे तो उनके लिए भी चाय और मिठाई होगी, वरना वाइडी टीम हमारी कहती है यूट्यूब वाली के भाई आपने केले केले खा लिया। और दूसरा गिफ्ट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, मैं हाँ सोच रही थी कराची जाके शेयर करूँ ना, मगर मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली की ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बेसब्री है, एक्साइटेड होते हैं गिफ्ट पड़े हुए अनबॉक्सिंग कर लें, मिला क्या मिला, तो ये भी दिखाते हैं आपको, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये है वो जो कुर्ती वगैरह होती है ना हमारी, वो कलर बहुत प्यारा है, हाँ कलर भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, आप ओपन करके भी अच्छा जी चले मारिए के लिए ओपन करके भी दिखाएं, तो ओपन करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि तय करके तो इसी ने रखना है, आप मुझे भी इस चीज़ से बड़ी चिढ़ होता है। हाँ, तो माशाल्लाह से अच्छा मारिए, कलर भी प्यारा है, हाँ वही मैं कह रही थी, कलर ठंडा कलर है और प्रिंट भी बहुत अच्छा है, प्रिंट भी अच्छा है। तो जी ये देखें, ये है शर्ट बहुत प्यारी, ये फ्रंट है इसका, और ये बैक है, बैक सिंपल है, बैक सिंपल है लेकिन फ्रंट का प्रिंट बहुत प्यारा। हाँ, तो फिर से आपका प्यार का मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने प्यार मोहब्बत से हमें गिफ्ट दिया, अगर आप ना भी देती तो कोई मसला नहीं था, आप आ गई थी, आप आ गई थी, बड़ी बात थी ज़ैनब आंटी, बहुत बड़ी बात है मारिया कि कोई हमसे मिलने इतनी दूर आ रहे हैं, ऐसा होता है ना कि यूट्यूबर्स ही होते हैं, सही बात है, नहीं जो सब्सक्राइबर होते हैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं होते, वो इतनी मोहब्बत देते हैं जी जी, बड़ी दिल तो खुशी होती है। अच्छा, ज़ैनब आंटी की एक बात ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कहती हैं जैसे तुम बेटी हो ना तो बेटे को नहीं भूल सकता, तो वो जब बेटी को याद रखती हैं तो बेटे को भी ज़रूर याद रखती हैं, और ये इमरान का सूट है, ये देखिए
माशाल्लाह। हाँ कलर भी बहुत ज़बरदस्त दिया। अच्छा ये आंटी जो जैनब आंटी ने पता होता है कि जो कलर मैंने नहीं पहना है ना वो मुझे वही देती हैं। तो जैनब आंटी ने एक ड्रेस दिया था और इनका मैंने मस्जिद नबी में वो ड्रेस पहना था और इमरान स्टिच करके संभाल कर रखा। और इत्तेफाक से जब हम वहाँ पर गए मदीने पाक में तो इन्होंने वहाँ पर उसे स्टिच कर जी जी मैंने जी। तो इंशाल्लाह ताला ये भी किसी नेक और अच्छी जगह पर ही स्टिच करके पहनेगा। हाँ जी 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 जरूर 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 इंशाल्लाह ताला। चले जी तो अब हम चाय पीते हैं। चाय ठंडी हो रही है जिसने पीनी है चाय और साथ में खानी है मजेदार मिठाई वो भी आ जाए जल्दी 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 खा जाए मिठाई हमारी प्यारी बात के लिए क्योंकि दावत इन्हीं के घर पर है पहले इनका मुँह मीठा कर रहे हैं जी। ये बाजी बड़ी है इसलिए बाजी बड़ी है हमारी सबसे तो इसलिए हम पहले इनका मुँह मीठा कराएंगे। मारिया आप मारिया अभी को भी तो दो चलो भाई सबका मुंह मीठा करा दिया इन्होंने। जो है ना जो गिफ्ट्स की चीज़ें आई हैं वो सजा रहे हैं यहाँ पर। अभी हमने डिसाइड करी है कि ये जो शोपीस आया हुआ यहाँ लगेगा बाकी सीनरी किसी ने दी थी वो पता नहीं वीडियो में देख लीजिएगा बिलाल भाई वो यहाँ लगेगी यहाँ लगा दी गई है ये यहाँ लगा दिया गया है और अच्छा ये यहाँ है तो डिसाइड कर रहे इसे निकाल के यहाँ लगा दी जाएगा ऊपर ऊपर करके। आज ना फिलहाल भाई ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी वाइफ की हेल्प कर दूँ तो हाँ। की हेल्प कर रहा है खुशी खुशी माशाल्लाह देंगे देंगे वो चीज़ें लगा वरना ये फिर मेरे ख्याल से मारिया आप भी लगाएंगे क्या हाँ एहसास हो गया। खैर जैसी लगा दी जाएगी तो आप लाल भाई की वीडियो में देखना हमने आपको दिखा दिया वैसे ये लग रही हैं हमने तो अपनी चिप्स वगैरह सब खा ली मारी अभी आई थी तो उसने ये अभी खा रही है तो इसी के पास आके आप लोग भी खा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है इरम को शाम में अक्सर चीज़ की आदत है। अब हम यहाँ आए हुए थे तो हमने कहा हाँ तो हमें दिल कर रहा चीज़ के लिए हमने कहा चलो वो दिन में तो हम ले आए थे लेकिन अब रात को दिल कर रहा मैंने कहा चलो हम चलते हैं फिर इरम और मैं बाइक पे गए हमने शूट नहीं करा अंधेरा बहुत था कुत्ते पीछे पड़ गए वहाँ पर डॉग हैं ज़्यादा यहाँ पर तो फिर खैर वो हम लोग पहुँच गए सिक्योरिटी वाला आ गया था उसने हमें क्लियर करा के भेज दिया। दुकानें गए तो एक ही बची थी चीज़ हम लेके यहाँ से आ गए। हाँ जी जी और आज हम कर रहे हैं लाहौर में चीज़ पार्टी तो जैसे कि कराची में मिस करते हैं हम चीज़ पार्टी करते हैं तो हमने कहा चले आ जाए आज जो है ना हम चीज़ पार्टी करते हैं लाहौर में करते हैं। अब ये हमारी चीज़ ये और ये देखें ये मैं तुलसी खा रहा हूँ यहाँ पर भी तुलसी है और ये इसने रखी है टोफियाँ। हाँ तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। अच्छा ये कमेंट्स नहीं कीजिएगा कि इरम को एक ही डिज़ाइन आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं और अगर अभी मारिया की भी हिम्मत नहीं है जाहिर है और मेरी भी नहीं तो मैं मारिया को फुल ब्राइडल मेहंदी लगाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ लेकिन अल्लाह पाक ज़िंदगी में ऐसा मौका लाया इन शाह तो इन शाह जब आएगा ऐसा कोई दिन तो मारिया के जो है ना फुल ब्राइडल मेहंदी भी लगा कर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी इस हाथ की भी और उस हाथ की भी फिर आप लोगों को दिखाएंगे फाइनल लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मारिया की मेहंदी कंप्लीट हो गई है और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। ठीक है तो मारिया आपको पसंद आई मेहंदी? हाँ, थैंक यू शुक्रिया बहुत बहुत पसंद आने के लिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं सुबह सुबह का टाइम है इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ सामने वो देखें चील बैठी हुई है और इस वक्त एक परिंदा चू 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 करे जा रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा वो बैठा हुआ है सामने लाइट के अगर आप देख सके तो ये आया ये मैना बोल रही है यहाँ पर और ज़बरदस्त देखें धुएँ का एकदम कहाँ से आ रहा है पता नहीं चल रहा और ये धुआं रोनुमा हो रहा है बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक का ताकि पता चले कि हम लोग क्या क्या कह रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं। सही आप बोल रहे हैं कि मैं बनाती हूँ तो
यहाँ बन रहे हैं पराठे। हाँ, अच्छा भाई चले एक ही दे देना पराठे। और ये चाय तैयार। और सुबह का नाश्ता, इस वक्त सुबह का टाइम है। सुबह क्या है, दोपहर ही हो गई, 12 बज गए हमारी जो है ना, 12 वो सुबह। हाँ चले फिर मिलते हैं आपसे नाश्ते पे। बातें करते हैं, हंसते हैं, आप लोगों के सामने तो थोड़ी सी वीडियो आती है ना, सो रहा है, बिल्कुल आराम कर रहा है। ये देखें प्यारा से मौसम। और ये भाजी पठानी ने, भाजी क्वेटा वाली ने इसे बांधा है। बिलाल भाई और अहमद नाश्ता लेके आ गए भाई। गुड मॉर्निंग। और मोमिना को ले गए हुए थे, जा रहे हैं अचानक से। ये विदा कर रहे हैं। हाँ तो हम लोग उनसे इकट्ठी कर रहे हैं। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप ही आएंगे और अब तुम आना हमारे। और बात हो गई है बिलाल भाई से, बिलाल भाई ने कहा मैं आऊँगा इंशाल्लाह कराची आना। जैसे आपके हमारे लिए घर थे, आपके दरवाजे खुले हुए थे, ऐसे ही हमारे समझ लेते भाई का घर है, वहाँ पर आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। बेधड़क जब आना हो आ जाओ। बताए बगैर? हाँ हाँ बताए बगैर बना रहे, लेकिन बताने का मकसद है कहीं ऐसा हो हम भी फिरते रहते हैं ना। बस ये है कि नहीं, आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब आपका दिल चाहे आप कराची आए हमारे साथ। जहाँ पे भी जाएंगे ना दरवाजे खोल के, दरवाजे खुले। हाँ जी जी। और अचानक से यूँ हो गया है कि आपको पता मुहर्रम का टाइम है और बसों ने बिल्कुल स्ट्राइक कर दी है। कल ही मुझे फ़ोन आया, कज़न ने बोला था कि टिकटें भी जो है ना, मतलब बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आज का मुझे बोला कि आप आज आ जाओ, शायद स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो फिर वहाँ इजीली हो जाएगा, क्योंकि बिलाल भाई का थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंस है, मुझे जाने आने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और हाँ और माशाल्लाह बड़ी इज्जत दी इन्होंने, और मतलब इतने टाइम हमें बर्दाश्त किया। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया, वंस अगेन थैंक यू। और यही बता रहा हूँ भाई, कराची लाजमी आना जब आप आना, इंशाल्लाह ताला जरूर मेरे पास। मुझे ये नहीं पता चले कि आप आए हो कहीं और। नहीं हमारा प्लान अचानक से बन गया। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं फिर, हमारी गाड़ी भी आ गई है। यहाँ से डबल अलविदा हो रहा है, ये कोटे की तरफ जा रही है, हम कराची की तरफ जा रहे हैं। मुहर्रम का टाइम आ गया आपको पता है, और बसों की भी जो है ना स्ट्राइक हो रही। कल मुझे रात में कज़न का फ़ोन 3 बजे आया है, बोला है कि अब कहाँ हो, मैंने बोला यार ये हो, कहने लगा यार वो फिर ना 10-15 दिन के लिए ना स्ट्राइक से फंस जाओगे। और मुझे मुहर्रम के बाद फ़ौरन 9, 10 को 11 तारीख को ऑफिस ज्वाइन करना है, बस इसलिए जाना पड़ रहा है मजबूरी के तहत। वरना मैं प्लान यही बना के आया था कि आगे तक रहेंगे। और फिर ये है कि ट्रेन का भी ये मसला सारा, यहाँ से क्या नाम है, सीटें बुके जा रही हैं, जब बस नहीं चल रही तो सारी बात है वो ट्रेन पे अलोट चल रहा है। फिर कहते हैं आपके लिए ना हमारे घर के दरवाजे खुले, मैंने कहा जहाँ पे जाएंगे दरवाजे खोल के जाइएगा ताकि हम इजीली आ जाए। और बादल देखे कितने बोल रहे हैं ना, वो भी रोक रहे हैं आपको, रुक जाओ, वो भी रोक रहे हैं। और बिलाल भाई आपने बहुत हमारे साथ किया, अल्लाह पाक आपको और इसलिए जो है ना अचानक हमें जाना पड़ रहा है। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी साथ इंसान, और फिर इससे ज्यादा एंजॉयमेंट करेंगे। बस कराची वालों के लिए एक मैसेज है, ये सरप्राइज है। हाँ इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल के अच्छे से ब्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।